स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार। में हूँ आपकी वही अंजलि। आज हम बात करेंगे तीसरे सप्ताह के बारे में। इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स, लव लाइफ, करियर और हेल्थ के सारे टॉपिक कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है, समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। और वीडियो के लास्ट में मैं जो आपको उपाय बताऊंगी वो लाल किताब से लिया गया है, उसे आप जरूर कीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ मोटिवेशन लाइंस बताऊंगी जिससे यूज करके आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबर रख अपनी मंजिल पर, रास्ते वो खुद बनाएगा। चमकेंगे सबके नसीब, बस इंतजार कर, रब का फैसला जल्दी आएगा। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अकेले खड़े रहना अच्छा है। ये अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की ही तरह है, ये दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। आपको भी कभी गुस्से में नहीं आना चाहिए और ना ही गुस्से में कोई फैसला लेना चाहिए। जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं, जो सुनता है उसे समझाना नहीं, जो पचता नहीं वो खाना नहीं, और जो सत्य पर रूठे उसे कभी भी बनाना नहीं। आपको भी वहां कभी नहीं जाना चाहिए जहां आपकी कदर ना होती हो, और जो सच बोलने से आपको रोकता हो उसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं, माथे पर खींची जाए तो किस्मत बना देती हैं, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें बना देती हैं, खाल पर खींच जाए तो खून ही निकाल देती हैं, और रिश्तों पर खींच जाए तो दीवार बना देती है। इन तीन दिनों के बारे में, और 16 तारीख से इस समय में आपका सोया हुआ भाग्य जागेगा, आपके काम करने की गति बढ़ेगी। ये समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। घर में मंदिर से रिलेटेड कोई सामान ला सकते हो, कोई पुरानी रुकी हुई फर्निशिंग भी अपने मकान की करवा सकते हो। फैमिली की सेहत, खास करके अपने माता पिता की सेहत का ध्यान रखें। इस समय में अगर आप बिजनेस करते हैं तो काम ज्यादा करना पड़ सकता है, भाग दौड़ भी बनी रहेगी। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी काफी देर से ढूंढ रहे हैं, इस समय में आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आप एब्रॉड सेटल होने की सोचते हैं तो 15 और 16 तारीख को आप अपनी एब्रॉड की फाइल जरूर लगाएं, आपको सक्सेस मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय शुभ रहेगा, आपको स्कूल कॉलेज से कोई बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है, टीचर्स आपकी प्रेज करेंगे। बस इधर उधर की बातों में वक्त जाया मत करें, अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करें। लव लाइफ वालों के लिए समय ठीक रहेगा, बस थोड़ा अपनी वाणी पर काबू रखिए। और सिंगल्स को कोई प्रपोजल मिल सकता है। बात करते हैं बस 17, 18 और 19 तारीख की। इस समय में आप बहुत ही मेहनत करेंगे और इसका रिजल्ट शानदार रहेगा। रुके हुए सारे पुराने काम इन दिनों में हो जाएंगे, मन आपका खुश रहेगा, आप इन दिनों में जोश से भरे रहेंगे। ये जो दिन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहने वाले हैं। इन दिनों में आपकी इनकम बढ़ेगी, जो खर्चे आपके बेफिजूल थे उन पर लगाम लगेगी। लकड़ी से जुड़े कारोबारियों को इस समय में बेहद शुभ रिजल्ट देखने को मिलेगा। शीशे से जुड़े और लोहे से जुड़े व्यापारी भी इस समय में मोटा पैसा कमा पाएंगे। अचानक से धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ जो पैसा था वो भी मिलेगा। इस समय में आपकी वाणी में मधुरता नजर आएगी, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। इस समय में आप अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर प्रभावित कर पाएंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा, सुख शांति रहेगी, पूरे जोश के साथ दिखाई देंगे, चुस्ती फुर्ती में रहेंगे। हाउस वाइफ्स के लिए भी ये समय अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए ये समय उम्मीद से ज्यादा अच्छा दिखेगा। इस समय में किया गया आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको बहुत अच्छी सफलता दिलवा कर छोड़ेगा। इस समय में आप टेंशन से फ्री रहेंगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, गेट टुगेदर फंक्शंस अटेंड भी कर सकते हो। मैरिड लाइफ के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय स्पेंड करोगे, एक दूसरे को समझेंगे। यात्राओं का भी योग नजर आ रहा है, रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं। चंद्रमा आपके धन भाव में रहेगा, आपके पेंडिंग जो काम थे जो पूरे नहीं हो पा रहे थे वो अब कंप्लीट होंगे। अगर बैंक से या किसी फाइनेंस कंपनी से आपने लोन अप्लाई किया है तो आपको मिलेगा, आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी, आपकी बुद्धि तेज गति से काम करेगी, आप अपनी बोली से लोगों को प्रभावित भी करेंगे, और इन दिनों में जो है वो खर्चे बढ़ेंगे।
और आय कम रहेगी, आपको खर्चों पर लगाम लगाना होगा। स्टूडेंट्स के लिए ये दिन एक्सलेंट रहेगा, पेंडिंग काम पूरे हो सकते हैं, टीचर्स का भी सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों का साथ भी मिलेगा और आप जो है पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। बस आपको जो है वो लड़ाई झगड़े से बचना होगा, किसी भी बात पर दखल अंदाजी मत कीजिएगा। लाइफ पार्टनर का पूरा समय संयोग मिल सकता है और भाग्य का साथ भी मिलेगा, आपको लाभ होगा बिजनेस में भी। बात करते हैं जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट किया था, इन दिनों में आपको किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। अगर आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं तो इन दिनों में बेहद शुभ फल आपको मिल सकता है, कोई गुप्त धन का आगमन भी होगा। बात करते हैं उपाय की, तो गुरु मंत्र का आप जाप करें और सूर्य को जल दें, और अगर आपने नाम दीक्षा ली है तो उस मंत्र का जाप जरूर करें। आज हम बात करेंगे कि किस उम्र में मिलेगी आपको बड़ी सफलता, कैसा करें कि सफलता जल्दी मिल सके, उसके लिए वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसमें मैंने उपाय बताया है जिससे करके धीरे धीरे आप अपना भाग्य उदय कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये बात आपने सुनी ही होगी कि किस्मत की लकीर में जो लिखा गया हो उसे कोई बदल नहीं सकता, वो आपको मिलकर ही रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जो आपकी किस्मत में लिखा ही नहीं तो आप जो मर्जी कर लें वो आपको किसी भी कीमत पर मिल नहीं सकता। जीवन के पड़ाव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत सारी खुशियां आती हैं, सुख दुख, अमीर गरीब, जीना मरना, सब कुछ जिंदगी से जुड़ा रहता है। ग्रह अपनी चाल बदलते रहते हैं, जिसे कभी दुख यहाँ आ गया तो कभी सुख आ गया। लेकिन हर एक इंसान, चाहे कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसके मन में ये बात हमेशा आती है कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा। खासकर उन लोगों के मन में ये बात हमेशा चलती रहती है जो कि अक्सर देखो से घिरे रहते हैं। किसी को सेहत का दुख है, किसी को बीमार का दुख है, किसी को लव लाइफ खराब है, तो किसी के माता पिता बीमार है, या किसी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, या कोई और प्रॉब्लम है। दुख छोटा हो या बड़ा, पर मन में ये जरूर आता है कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा, कि सारी जिंदगी ऐसा ही दुखों से भरी रहेगी। वो भगवान को प्रे भी करता है कि कब मेरा अच्छा समय आएगा, कब मेरे दुखों का अंत होगा। यहां ये भी मैं क्लियर कर दूं, जो मैं अक्सर वीडियो में कहती हूं कि अगर सुख नहीं रहा ज्यादा देर तक तो दुख की क्या मजाल कि वो भी आपके सामने टिक पाए। पर जब आप हिम्मत हार जाते हैं तो तब दुख ज्यादा परेशान करता है। सो मेरी एडवाइस हमेशा यही रहती है कि आप अपनी हिम्मत मत हारिए, अपनी विल पावर स्ट्रांग करें। अगर दुखों का समय आया है तो कोई बात नहीं, और हिम्मत से उस प्रॉब्लम से लड़ो और उसे बोलो कि दुखों का तो समय आया था लेकिन सुख का दौर भी आएगा, तब आपको दुख कभी महसूस नहीं होगा। ये मेरी बात अपनी जिंदगी में आजमा कर जरूर देखना। तो चलिए अब बताते हैं आपको, आज हम कुंडली के आधार पर और कुंभ राशि और लगन के आधार पर कुछ प्रिडिक्शंस बताएंगे जिससे कि पता चल सके कि आपका भाग्य उदय कब होगा और किस साल में होगा। साल में उपाय भी बताऊंगी। कुंभ राशि के जातकों की किस्मत ज्यादातर 32, 35, 39 या ज्यादा से ज्यादा 42 की उम्र तक भाग्य उदय हो जाता है। 42 की उम्र से पहले पहले ही इनका भाग्य उदय होता है। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं और कुछ ही ऐसे जातक होते हैं जिनका 42 की उम्र के बाद भाग्य उदय होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में संघर्ष बहुत ज्यादा है और आप दिन रात अपने बारे में सोचते ही रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, तो पहले ये सोचना बंद करें और कहिए कि होगा, आज होगा और अभी होगा। माइंड को पॉजिटिव करिए और यकीन मानिए एक दिन आपका माइंड सेट हो जाएगा, अपनी आंखों से वो सब होता देखेंगे जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, और ये भी याद रखिए कि आपको शनि के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। और अगर शनि आपके अनुकूल नहीं है तो भाग्य का साथ कैसे मिल सकता है। चाहे कोई भी फील्ड हो, करियर हो, लव लाइफ हो, मनी रिलेटेड कोई भी बात हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो इसका मतलब शनि का साथ आपकी राशि के साथ नहीं है। तो
आपको शनि को अनुकूल यानी प्रसन्न करना हो तो उसके लिए आपको उपाय करना होगा, क्योंकि शनि ही आपकी राशि के सारे काम बनाता है और सारे काम बिगाड़ता भी है। आपको मैं जो उपाय बताऊं वो आप जरूर करें, जिससे कि आपका शनि स्ट्रांग हो और आपका कोई भी काम आसानी से बन जाए, आपको ज्यादा संघर्ष ना करना पड़े। दोस्तों मैं आपको वो उपाय बताती हूँ। शनिवार के दिन आपको गरीबों को खीर खिलानी है। शनि को भोग लगाकर ही आप उस खीर को गरीबों में बांटिए और उन्हें खिलाइएगा, इससे शनि स्ट्रांग होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जो बताया है उसे आप जरूर करें और वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।